लंका जाने के लिए बानर भालू सब बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। कोई समुद्र पार करने को तैयार नहीं। संपाति ने पता बताया, संपाति ने पता बतलाया, पर कोई भी लंका जाने के लिए तैयार नहीं। किष्किंधा कांड रामचरितमानस की कथा। कौन समुद्र पार करेगा? समुद्र पार जाकर जानकी माता की खबर को कौन लाएगा? अंगद जी से कहा जामवंत ने, अंगद तुम जाओ। अंगद ने कहा जाना तो संभव है, आने में इंजन फेल हो सकता है, वापसी बड़ी मुश्किल है, अब कौन जाएगा? सब बानरों ने जब मना कर दिया, विशालकाय समुद्र को देखकर, बुरा मत मानना, इस कथा में यहां पर सबने अपने अपने बल के बारे में बताया। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा, वापस आना मुश्किल है, जाने का दम तो है। जामवंत जी ने अपना बल बताया। उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय, बोले हम तो जवानी में बहुत बलवान थे, बुढ़ापा आ गया। हनुमान जी ने अपना बल नहीं बताया। किसी ने पूछा हनुमान जी से कि सब अपना अपना बल बता रहे, तुम अपने बल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? हनुमान जी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले भैया जिसका खुद का बल हो वो बताए, हमारा बल तो राम जी का है, अब हम क्या बता रहे। ये महानता के लक्षण है। हनुमान जी कहते बल हमारा नहीं। अरे हनुमान जी आप कैसी बात करते, आपका बल नहीं, आप तो अतुलित बल धामम हो, अतुलित बल धामम। और हनुमान चालीसा में भी आया राम दूत अतुलित बल धामम, हनुमान जी आप अतुलित बल धाम हो, अतुल बल के धाम हो, आप कहते आपका बल नहीं। हनुमान जी कहते भैया हम धाम हैं, अतुलित बलशाली नहीं है। मतलब ये क्या उल्टी उल्टी बातें बोल रहे हो बाबा, अच्छी बात नहीं। अरे भैया धाम का मतलब होता है मकान। हनुमान जी बोले हम हैं मकान, मकान मालिक हैं राम जी, ये जो भी बल है हमारे रघुनाथ जी का है। हनुमान जी ने बल नहीं बताया, पर जब जामवंत ने कहा, पहली चौपाई जामवंत जी हनुमान जी से कहते उठो जाओ, कबन सुखा जे कठिन जग माई, जो नहीं हो तुम पाई। गाइए कबन सुखा कठिन जग माई, कोई भी बल कोई भी काम कठिन नहीं है, आप उठिए अतुलित बल धामम है, आपके पास अपार बल है, अतुलनीय बल है। हनुमान जी नहीं उठे। क्यों? हनुमान जी बोले जब हमारे पास बल है ही नहीं क्यों उठे? अरे भैया कैसी गड़बड़ बात, अनलिमिटेड है, अतुलित का मतलब होता अनलिमिटेड। क्या होता है? दो प्रकार का डाटा होता मोबाइल में, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। बल दो प्रकार का, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। बोलो जय सियाराम।
अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी में कितना बल है? एक संत ने बताया, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज, लेकिन 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों जिस बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी एरावत, और 10,000 एरावत हाथियों बराबर जिसमें बल वो बनता है राजा इंद्र, और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब लगा लो गुणा भाग कि हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, इनकी क्षमता ही मत लिखो, अनलिमिटेड लिख दो। क्या लिखा? राम दूते अतुलित वरदा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूते अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी उठो, आपका आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। हनुमान जी नहीं खड़े भाई लंका जाने के लिए। अब हनुमान जी के बल का कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी नहीं खड़े भाई, पर हनुमान जी कब खड़े भाई? और जब खड़े भाई तब बड़े भाई। हनुमान जी जब खड़े भाई तब बड़े भाई। एक बार जब कहा क्या, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयम पर्वतकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन राम काज लगी तब अवतारा, सुन तहि भयम पर्वतकारा। पहाड़ के समान विशाल काय हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया। जब बड़ा रूप धारण लंका जाने के लिए किया, यही हनुमान जी ने दूसरी सिद्धि महिमा का प्रयोग कर लिया, और यहीं पर अष्ट सिद्धियों में दूसरी सिद्धि सिद्ध हो गई। इसलिए हमने चौपाई ली, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर निदान के माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर निदान के। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय।